तीन ऋण चुकाए बिना मनुष्य की मुक्ति नहीं होती। सबसे पहले पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। अगर आप और हम मनुष्य हैं तो हमें ये तीन ऋण चुकाने ही होंगे। तीन ऋण कौन से हैं? देव ऋण, सूर्य का प्रकाश हम लेते हैं, पृथ्वी का अन्न हम लेते हैं, जल की शीतलता हम लेते हैं, वायु की ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, आकाश का भी हम लोग छत्र छाया लेते हैं। इन सब के बिना हमारा जीवन नहीं है, है क्या? बिजली आती है, बिल भरते हो कि नहीं? पानी आता है, वाटर टैक्स देते हो कि नहीं? मकान बनाते हो, हाउस टैक्स देते हो कि नहीं? सड़क पे चलते हो, टोल टैक्स देते हो कि नहीं? सब्जी खरीदते हो कि नहीं? अन्न खरीदते हो कि नहीं? बोलो, इन सब का पैसा देना पड़ता है कि नहीं? सूर्य क्या पैसा ले रहे हैं आपसे? और जो मांग नहीं रहा हम उसे दे नहीं रहे। संसार में कोई भी वस्तु तुमने ले ली और उसके बदले में तुमने नहीं दिया तो तुम ऋणी हो जाओगे, और ऋणी हुए तो तुम्हें वापस ऋण चुकाने आना पड़ेगा। देवताओं का ऋण हम चुकाते हैं यज्ञ से, होम से। जो हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ में आहुति डालते हैं, तो यज्ञ में आहुति डालने से देवताओं का ऋण उतर जाता है। तो प्रत्येक मनुष्य को यज्ञ करना चाहिए जिससे वो देव ऋण उतार सके। दूसरा ऋषि ऋण। अगर हमारे ऋषिगण न होते तो हमें यह पता भी नहीं चलता कि मनुष्य के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। चाहे भागवत का ज्ञान हो, चाहे वाल्मीकि रामायण का ज्ञान हो, गीता का ज्ञान हो, पुराणों का ज्ञान हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, वेदों का ज्ञान हो, ये मिला किससे हमको? ऋषियों से प्राप्त हुआ। उन ऋषियों का ऋण है। अभी तो हम काफी जगह पर ऐसे लोगों को देखते हैं जो संत महात्माओं का नाम ले लेके, रामायण का नाम ले लेके, या कहीं मनुस्मृति का नाम ले लेकर बहुत लोग अनाप शनाप बोलते हैं, लेकिन वो जानते नहीं हैं कि उन ऋषियों ने कितनी तपस्या करके हमें मानवता सिखाई है। जानते नहीं है, वो अनजान है। तो ऋषियों का ऋण है। तो ऋषियों का ऋण उतरेगा कैसे? शास्त्र तो बहुत है, मनुष्य के पास समय नहीं, आयु बहुत कम है, तो ऋण कैसे उतरेगा? तो सूक्ष्म ऋण है। पहले तो शास्त्रों का अध्याय कर, स्वाध्याय करे, पढ़े, और अगर पढ़ने में असमर्थ हो और हमारा अधिकार क्षेत्र की बाहर की बात हो तो फिर क्या करना चाहिए? बोले उन शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए। आप जब भागवत सुनते हो तो आप ऋषियों के ऋणों से उऋण हो रहे हो। कि जो भागवत सुनने आना, प्रणाम करना, सर झुकाना, बैठना, श्रद्धा रखना, श्रद्धा से उस कथा को सुनना और पूरा क्रम वर्णन करना, क्या है ये? ऋषियों के ऋण से उऋण होना है। तीसरा है पितृ ऋण। पितरों के ऋण से कैसे उऋण हुआ जाए? पितृ ऋण अपने आप में बहुत बड़ा ऋण है, बहुत बड़ा ऋण है। बताएं कि नहीं बताएं? हैं? अगर हमारे पितृ नहीं होते तो हम होते क्या? और आज के आधुनिक युग में, औरों की बात छोड़ो, ब्राह्मणों के घर में कर्मकांड ढंग से नहीं हो रहा। पैसा कमाने की ऐसी भूख चढ़ी हुई है हमारे माथे पर कि हम लोग मरने वाले को 12-13 दिन नहीं देते, 2-4 दिन में ही सब खत्म कर देते। और श्राद्ध कर्म भी विधि विधान से नहीं चल रहे हमारे यहां। श्राद्ध कर्म, तर्पण,
ये सब ढंग से होना चाहिए, वो भी ढंग से नहीं होता। एक कहानी आती है बहुत अच्छी, अभी हम सुन रहे थे, बहुत अच्छी कहानी है, सुनाएं। एक सेठ जी थे, सेठ जी अकेले नहीं थे, उनके भाई वगैरह भी थे, खूब पैसा कमाते थे, खूब पैसा, इतना पैसा था कि पूछो नहीं, खूब जम के। चारों भाई बड़े खुश रहते थे, बड़े आनंद में रहते थे, पति पत्नी बच्चे सब खुश थे, सब मंगल थे, सब ठीक ठाक चल रहा था। खाने कमाने, और जैसे आधुनिक युग है उसी पे ध्यान रहता था उनका, बाकी पूजा पाठ अटरम सटरम इनसे उन्हें कोई लेना देना नहीं था। इवन वो अपने पितरों को तर्पण भी नहीं करते थे, श्राद्ध नहीं करते थे, चवन्नी दान नहीं करते थे, वो चवन्नी बस कमाने खाने में बहुत ध्यान। तो जब दान पुण्य होता ही नहीं था, सत्कर्म होता ही नहीं था, तो सत्कर्म के अभाव में पितृलोक में पितृ दुखी हुए और पितृ परेशान रहने लगे। और जब पितृ परेशान रहने लगे तो एक बार धर्मराज के पास वो पितृ गए और उन्होंने कहा कि हम बहुत दुखी हैं। बोले क्यों दुखी हो? बोले हमारे बच्चे कुछ अच्छा काम करते नहीं है, खाने कमाने में लगे रहते, तो हम तो यहां पुष्ट हो नहीं रहे। अभी तो जो हम सत्कर्म करके आए थे वही हमें मिल रहा है और ये भी यही भोग रहे हैं, और अगर ये यही करते रहे तो एक दिन इनका ये सब नष्ट हो जाएगा। तो धर्मराज बोले हमसे क्या चाहते हो? बोले हमें अनुमति दो तो हम थोड़े जाके समझाया हमें। बोले देखो आप ऐसे तो जा नहीं सकते, अब तो आप यहीं रहोगे, लेकिन आप स्वप्न इत्यादि के माध्यम से अगर जाना चाहें, समझाना चाहें तो आप चले जाइए, क्योंकि पितृलोक सशरीर तो आ नहीं सकते, शरीर तो अदृश्य हो गया, वो तो स्वप्न इत्यादि में आते। अब स्वप्न इत्यादि में आते वो समझाते, कभी सेठ जी को समझाते, कभी और दोनों तीनों भाइयों को समझाते, पर जब धन बहुत होता है तब इन सब चीजों पे कहां ध्यान जाता है। हाँ बोल ठीक है देखेंगे हो जाएगा, ऐसे ऐसे स्वप्न आया, पितर कुछ मांगते हुए दिख रहे हैं, पितर ऐसा हो रहा है, जो गए हैं बुजुर्ग वो बड़े दुखी से दिख रहे हैं, कोई ध्यान नहीं गया, कोई ध्यान किसी का नहीं गया, बस स्वप्न याद भी नहीं रहा उठ के। तो कभी छोटे भाइयों के पास भी स्वप्न आया, उनको स्वप्न आया सोते हुए पितर दिख रहे हैं, कोई कोई नहीं सोचता, सब कमाने में लगे। तो पितर बड़े दुखी हुए और पितर क्रुद्ध हो गए, क्रुद्ध होने से क्या हुआ? बिजनेस डाउन होने लगा, काम ठप हो गया, और काम जब ठप हुआ तो फिर बोले आपस में लड़ने लगे, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ, घर अलग हो गए, घर अलग हो गए तो घर में बीमारियां बढ़ गईं, और की तो बात छोड़ो सेठ जी सबसे ज्यादा बीमार पड़ गए, चारपाई पे पड़ गए, अब पैसा काम धंधा सब बंद, बीमारियां ही बीमारियां, अशांति ही अशांति, फैक्ट्री बंद हो गई, दुकान बंद हो गई, ये सब बंद हो गया, भाई भाई क्लेश हो गया, सब लोग दुखी त्रस्त रहने लगे। और जब सब त्रस्त रहने लगे तो पितरों से यह भी नहीं देखा गया, फिर गए धर्मराज के पास, पूछा धर्मराज ने अब क्यों परेशान हो, हमने आपको कहा था आप हो आओ। अरे बोले हो तो आए पर करें क्या, उनको तब समझ में नहीं आया और इनका सब नष्ट हो गया, अब भी दुखी है और इनका दुख अभी भी हमसे नहीं देखा जाता। तो धर्मराज ने कहा आप चिंता मत करो, अब की बार मैं जाता हूं, मैं समझा के आता हूं। तो सेठ जी बीमार पड़े थे, चारपाई पे पड़ गए थे, उठा भी नहीं जा रहा था, इनके द्वार पर कोई आता भी नहीं था। अच्छा देवियां होती हैं वो थोड़ी धर्मात्मा होती हैं, वो सोचती रहती हैं, पर कई पति इतने खतरनाक होते हैं उनके आगे पत्नी बोल नहीं पाती तो चुप रहती थी। अब पति बिस्तर में पड़े थे, उठा ही नहीं जा रहा था उनसे, और अब जब उनसे उठा नहीं जा रहा था तो अब क्या करें, अब तो कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो धर्मराज ही ब्राह्मण बनकर, धर्मराज ब्राह्मण बन गया है और कहा भिक्षा दे, जब भिक्षा मांगी धर्मराज आए तो सेठ जी तो उठ नहीं सकते थे, सेठानी उठ आई वहां से, पंडित जी को देखा, उन्होंने प्रणाम किया, महाराज मैं आपको प्रणाम करता हूं, बताओ क्या? बोले
कुछ भिक्षा मिल जाए तो अच्छा है। आप जो कहेंगे सो, बोले कुछ प्रसाद मिल जाए। पर मुझे ब्राह्मणी सेठानी ऐसा लगता है कि तुम्हारे यहां पर पितृ दोष। बोले महाराज ये पितृ दोष कैसे, आप कैसे कह रहे हो? बोले तुम्हारे घर में बीमारी बढ़ रही है, तुम्हारे घर में काम धंधे चौपट हो गए, तुम्हारे भाई भाई में कलेश होने लग गया। बोले हाँ, और तुम्हारे पितरों ने भी आकर स्वप्न में आकर तुम्हारे पति को कहा भी होगा तो भी तुम्हारे पति समझे नहीं। अब तो चरणों में गिर पड़ी, महाराज क्षमा करो, ये लोग कुछ भी अच्छा नहीं करते हैं, हम क्या करें आप बताओ। बोले देखो, पितरों के स्वप्न में आने का मतलब अलग अलग होता है। अगर पितर स्वप्न में आए और कुछ मांग रहे हों तो समझो तुम्हारे घर से अन्न धन खत्म होने वाला है। तुम्हारे पितर स्वप्न में आए फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं तो समझो तुम्हारे ऊपर भयानक विपत्ति आने वाली है। और पितर अगर स्वप्न में तुम्हें दिखाई पड़े और वो श्वेत वस्त्रों में हों, शांत हों, मुस्कुरा रहे हों, तुम्हारे सर पे हाथ फेर रहे हों तो समझना कि तुम्हारे पितर तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न। और स्वप्न में पितर इसीलिए आते हैं कि वो कहीं ना कहीं तुम्हें ये अनुभव कराना चाहते हैं कि हम तुमसे प्रसन्न हैं अथवा हम तुमसे अप्रसन्न हैं। तो प्रश्न ये है, वो अप्रसन्न किससे होते हैं? बोले अप्रसन्न उनसे होते हैं जो लोग धर्म पुण्य भजन सत्कर्म नहीं करते। क्योंकि आप जो भी दान पुण्य करते हो, जो सत्कर्म करते हो, जो भजन करते हो, उसका कुछ अंश उन पितरों को प्राप्त होता है और उसी से वो पुष्ट होते हैं। तो जब तुम उन्हें पुष्ट करोगे तो वो तुम्हें रुष्ट कैसे करेंगे, तुम्हें भी पुष्ट करेंगे वो। शास्त्रों में लिखा है भगवान की पूजा भूल जाओ एक बार को, लेकिन पितरों के आज पूर्णिमा है, अपने पितरों के नाम से हमको जल अवश्य तर्पण करना चाहिए। जल क्या जा रहा है, जल में तिल डाल के चढ़ा दिए पितरों के नाम, क्या गया तुम्हारा? कितनों को तो पता ही नहीं है कैसे भी जल दे सकते हैं, जानने की जरूरत ही नहीं की, सिर्फ सारा फोकस तो हाउ टू अर्न मनी पे है ना। कुछ भी कर लो, पितर रुष्ट हो गए, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। पितर भावना से प्रसन्न नहीं होते, पितर तुम्हारे कर्म से प्रसन्न होते हैं। ये ध्यान रखना, भगवान तुम्हारी भावना से प्रसन्न होते, पितर तुम्हारे कर्म से प्रसन्न होते हैं। पितरों के लिए कर्म और मंत्र दोनों परम आवश्यक है। तो अपने पितरों के नाम से तर्पण कर लो, अमावस पूर्णिमा इन पे अपने पितरों के नाम से कुछ घास ही खिला दो गाय को, आदि आदि कर्म करना चाहिए। बोले तीन ऋण हैं, और जब इन्होंने किया तो फिर परिवार में पत्नी ने, जब सेठानी ने सुना, धर्मदेव समझा के चले गए, सेठानी ने सुना, फिर उन सब लोगों ने ये सब काम को समझा, फिर किया, फिर घर में खुशहाली आ गई। हम आपसे आग्रह करते हैं, जितने भी लोग हमारे शिष्य लोग हैं, अपने पितरों को ध्यान रखो, पूजा पाठ किया करो, और प्रिया कांजू के साथ साथ अपने पितरों के नाम से भी गाय को घास, ब्राह्मण को अन्न, और जो संभव हो सके महीने में एक दो बार तो हम कर ही सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। तो ये हम सब कर सकते हैं। तो जब तक हम तीनों ऋणों से उऋण नहीं हो जाएंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। तीनों ऋण कौन कौन से ऋण है? देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। इन तीनों ऋणों से उऋण होना चाहिए।